भैया मेरा चेकआउट ना 11 बजे है, मैं 1 बजे चेकआउट करूं क्या? थोड़ा बहुत तो आई थिंक सबने उठाया होगा। आई मीन यू डोंट हैव टू जज मी फॉर दिस। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम है ऋतु। बिफोर आई स्टार्ट दिस आई वुड से थैंक यू टू ईच एंड एवरी सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिग 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 थैंक यू, एंड टू द पीपल हु वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब, इट्स फ्री। एज ऑफ नाउ टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ पीपल इनसाइड अ होटल रूम। जब भी हम होटल में जाते हैं थिंग्स आर डिफरेंट, मतलब हम डिफरेंट टाइप बिहेव करने लग जाते हैं, और काफी सारी चीजें हैं जो बहुत सारी लोग बहुत बार करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले वो 5 ऐसे लोग जो हम बन जाते हैं इनसाइड दिस होटल रूम। लेट्स रोल। नंबर 1, द सोशल मीडिया फ्रीक। अभी इनको क्या लगता है ना कि पीपल आर वेटिंग, पीपल आर डाइंग टू नो एग्जैक्टली मैं कहाँ ठहर रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम पे जितने भी दोस्त हैं, फेसबुक पे जितने दोस्तों को जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बेड पे हूँ, मैं इस जगह पे हूँ। एक चेक इन तो बनता है ना। ऑल्सो फोटोज लाइक आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बाहर आप घूमने जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन होटल की भी कम से कम 5-10 फोटो डालनी है। जो मिरर है उसके साथ सेल्फी जरूर बनती है। ऑल्सो अगर आपके पास कुछ और है, फोन दिखाना है, इस काउच दिखाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बालकनी है ना, बालकनी से जो व्यू है वो दिखाना है। मतलब सबको सब चीजें दिखानी पड़ेगी। एक फोटो फेसबुक के लिए, एक फोटो इंस्टाग्राम के लिए, एक फोटो स्नैपचैट के लिए। मतलब जहां आए हैं वहां मैं तो हूं, लेकिन 50 लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी। नंबर 2, द स्टीलर। कितनी बार, कितने लोग, कितनी सारी जगह से कुछ कुछ उठा चुके हैं। अगर आपको बाली वाले इंसिडेंट याद होगा तो आई थिंक तब हम थोड़े ज्यादा बदनाम हुए थे, बट थोड़ी चीजें तो उठानी बनती हैं। मतलब आई थिंक वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट। कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। तो अगर सामने मुझे ट्रैवल साइज शैम्पू, ट्रैवल साइज बॉडी लोशन दिख रहा है, विच आई हैव यूज्ड एक और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज फॉर मी, आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत सेविंग की ना कि मैंने यूज नहीं किया, तो आई कैन टेक इट। अगर वो चप्पल आपको जो साथ में स्लीपर मिलती है, इफ आई हैव यूज्ड इट लाइक फॉर हाफ एन आवर एंड I think that becomes dirty and nobody can use it, I can take it। और कभी कभी तो ऐसा लगता है अपन ही भगवान है। Once you're inside the hotel room, you feel that I have paid for everything and everything around this corner belongs to me। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है, चाहे 5-स्टार होटल हो, चाहे 3-स्टार होटल हो, चाहे 2-स्टार होटल हो, मुझे हमेशा होटल रूम आगे लगता है, ओ माय गॉड, क्वाइट अ फैंसी प्लेस। पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स इवन अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा बेड, दो साथ में टेबल स्टैंड और लैम्प, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। मतलब काफी ज्यादा सुंदर लगता है, और एक्सेसिबिलिटी कितनी कूल होती है। अगर मुझे अपने घर में बटन बंद करना है किसी चीज का, तो मुझे उठ के जाना पड़ता है वहां पे। आई थिंक हाफ द टाइम बहुत कूल पीछे बटन होता है, तो इजीली आप दबा सकते हो और चीजें चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में चीजें देखी नहीं है, इट जस्ट दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ वॉकर। मतलब मुझे छोटे से लेके बड़े से लेके कहीं भी डालो, आई एम लाइक क्वाइट अ फैंसी प्लेस। नंबर 4, द जर्मोफोब। दिस इज द काइंड ऑफ कैटेगरी विच इज वेरी रेयर, बट वी कैन नॉट मिस। काफी छोटे सेक्शन ऑफ द पीपल फॉल्स इन दिस कैटेगरी। इनको क्या लगता है ना कि लाइफ में इनके घर से साफ कुछ होता नहीं है और होटल से गंदा कुछ होता नहीं है। मतलब इनको लगता है कि ये जो बेड है इसमें पता नहीं कितने सारे लोग सोएंगे, तो मैं इस पे कैसे सो जाऊं, अपनी शीट में घर से लेकर आऊंगा। ये जो तकिया है, ये जो व्हाइट जितना दिख रहा है ना, ये व्हाइट इतना गंदा है, सिर्फ इसके ऊपर ब्लीच कर रखा है तभी साफ दिख रहा है। दिस इज अ स्मॉल कैटेगरी, बट यू नो पीपल एक्चुअली थिंक कि होटल से ज्यादा कुछ गंदा हो नहीं सकता, और वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं सफाई को लेकर। नंबर 5, द पैसा वसूलर। इन लोगों से जो फ्रंट ऑफिस है वो बहुत घबराता है, क्योंकि इनकी जो फेवरेट डिमांड्स होती है ना, वो ऑलमोस्ट सारी फ्री होती है। भैया आप मुझे फ्री में एक्स्ट्रा बेड दे दोगे क्या? भैया सुबह बुफे कितने बजे चलेगा? भैया मुझे सुबह उठा दोगे क्या? भैया मेरा चेकआउट ना 11 बजे है, मैं 1 बजे चेकआउट करूं क्या? भैया मैं ना 1 बजे चेकआउट करूंगा, 3 बजे मेरा फ्लाइट है, 3 बजे तक आप मेरा सामान रखोगे क्या? भैया मैं मुझे फ्री में एयरपोर्ट तक का टैक्सी मिलेगा क्या? मतलब इनका जो कैटेगरी होता है वो ये कैटेगरी होता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सामान यहाँ से निकाल सके।
in the afternoon. I hope you had great fun while watching vlog. Honestly, I have only researched for half an hour before shooting this vlog, so I don't know whether it was good or not. I am talking to you in present, not referring to you in future. I don't know. Main actually main vlog dalungi nahi dalungi, but agar maine dala to ye, kyunki I am trying to experiment with my content. Agar aapko pasand aaya to please comment below, let me know. Also, I want to know exactly what type of people that you relate to once you're inside the hotel room. If you really like me, if you like my content, please consider liking, sharing, commenting and subscribing to this channel. Kyunki free hai, kar do na yaar.